नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जीवन का विकास हुआ है जो मानव के अस्तित्व में आने के साथ ही उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता रहा है और आज भी कर रहा है। प्रकृति में अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं जो पारिस्थितिक तंत्र के अनुरूप विकसित और बढ़े हैं और उनका जीवन तब तक सामान्य रूप से चलता रहता है जब तक पर्यावरण अनुकूल रहता है। लेकिन मनुष्य ने अपने विकास के क्रम में न केवल पारिस्थितिक तंत्र को बिगाड़ा है बल्कि वन्य जीवों और समुद्री जीवों के अस्तित्व पर खतरा खड़ा कर दिया है। आज मानवीय गतिविधियों के कारण पूरी दुनिया में वन्य जीवों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की रिपोर्ट लिविंग प्लैनेट ने इस बात पर चिंता जताई है कि बढ़ती इंसानी गतिविधियों के कारण 1970 के बाद से अब तक दुनिया भर में जीव जंतुओं की संख्या में 60% कमी आई है। इस रिपोर्ट को पक्षी, मछली, स्तनधारी, उभयचर और सरीसृप की अलग अलग करीब 4000 प्रजातियों का अध्ययन कर तैयार किया गया है। रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि मानव गतिविधियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो दुनिया में वाइल्ड लाइफ तबाही के कगार पर पहुंच जाएगी। आज के विशेष में हम इसी जैव असंतुलन पर बात करेंगे। इसके अलावा रिपोर्ट की मुख्य बातों को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे प्लास्टिक कचरा समुद्री जीव जंतुओं पर बड़ा खतरा बन गया है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। इंसानों की गतिविधियों और लालच से पूरी दुनिया की जैव विविधता खतरे में है। रीढ़ वाले 60% जीव बीते 4 दशक से ज्यादा समय में खत्म हो गए हैं और इसके लिए मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में कहा गया है कि इंसान की बढ़ती आबादी और गतिविधियां वन्य जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि अगर जीव जंतुओं को संरक्षित करने के लिए कारगर कदम नहीं उठाए गए तो जल्द ही इनमें से कई जीव जंतु विलुप्त हो जाएंगे और ये मानव के अस्तित्व के लिए भी खतरनाक होगा। इस धरती पर मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो चिंतनशील है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल दुनिया को अपने लिए ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए किया। इसी कड़ी में मनुष्य ने कई ऐसे कदम उठाए जो धरती की जैव विविधता को बरकरार रखने के लिए खतरनाक साबित हुए। इंसानों ने विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर और अनियंत्रित दोहन किया। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि पूरी दुनिया में वाइल्ड लाइफ तबाही की कगार पर है। कई जीव जंतु विलुप्त हो गए हैं और कई विलुप्त होने के कगार पर हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने वाले समूह वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की ताजा रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है। में एक बात कहा गया है कि पिछले 1970 से अभी तक जो है करीब 60% डिक्लाइन आया है ग्लोबल स्पीशीज पॉपुलेशन में, और इसमें करीब 4000 स्पीशीज की पॉपुलेशन स्टडी किया गया था और करीब 16000 पॉपुलेशंस को स्टडी किए गए थे। और ये जो स्पीशीज डिक्लाइन है ये पॉपुलेशन डिक्लाइन है। जो प्लैनेट का इसका स्वास्थ्य कैसा है इसका जो मापने का एक तरीका उन्होंने बनाया गया, उसमें जो है मुख्यतः जो पानी में रहने वाले जीव तथा धरती पर रहने वाले जीव, इन दोनों को जो है करीब 5 जोनों में बांटकर उनका जो है कालांतर में उनका ये देखा गया कि क्या विविधता कम हो रही है, किस स्पीसीज का प्रजाति का घनत्व कम हो रहा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2018 जारी किया है। इसमें 1970 से 2014 के बीच मानव गतिविधियों से जीव जंतुओं पर पड़ने वाले असर की तस्वीर पेश की गई है। हालत काफी भयावह है। इस अवधि के दौरान वन्य प्राणियों की संख्या में 60% गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान इंसान की गलतियों की वजह से रीढ़ की हड्डी वाले 60% जीव खत्म हो गए हैं। इनमें मछलियाँ, पक्षी, कई उभयचर जीव, रेप्टाइल और स्तनधारी जीव शामिल हैं। 2010 तक ये आबादी 48% बाकी थी। इस रिपोर्ट के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने पूरी दुनिया में जानवरों की करीब 4000 प्रजातियों का सर्वे किया है। हालात ऐसे ही बने रहे तो 2020 तक
रीढ़ की हड्डी वाले 67% जीव खत्म हो जाएंगे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की रिपोर्ट को 59 लेखकों ने मिलकर तैयार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1970 से 2014 के बीच यानी 44 सालों में जल में रहने वाले जीव जंतुओं की संख्या में 80% की गिरावट देखी गई है। क्षेत्रवार बात करें तो लैटिन अमेरिका में मानव गतिविधियों का सबसे बुरा प्रभाव देखने को मिला है। इन इलाकों में वाइल्ड लाइफ में 90% की गिरावट देखी गई है। पिछले 50 सालों में 20% अमेज़न के जंगल और 30-50% मैंग्रोव यानी कच्छ वनस्पति नष्ट हो गए हैं। वहीं 30 सालों में 50% उथले पानी में समुद्री शैवाल खत्म हुए हैं। मानव गतिविधियों की वजह से जानवरों की विलुप्ति की दर कुछ 100 साल पहले की तुलना में 100 से 1000 गुना अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विलुप्ति के आंकड़े डराने वाले हैं। विलुप्त होने पर जानवरों की वापसी का कोई रास्ता नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर जानवर विलुप्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत के बाहर लैटिन अमेरिका में अमेज़न में रेन फॉरेस्ट में या इंडोनेशिया में लार्ज स्केल में फॉरेस्ट लॉस हुआ है, तो ये सब जो कारण है इसको इसमें थोड़ा सा रोक लाना पड़ेगा और जो डेवलपमेंट प्रेशर्स जो है इसको थोड़ा सा मिटिगेट करना पड़ेगा। नहीं तो जिन प्रजातियों के जो प्राणी है जो प्लांट्स है जिसका संरक्षण जरूरी है तो उसका संरक्षण के लिए हमें कोई सक्सेस जल्दी नहीं मिलने वाला है। रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट अमेज़न कांगो बेसिन सुमात्रा और न्यू गिनिया को ऐसा क्षेत्र माना गया है जहां तेजी से जीव जंतु कम होते जा रहे हैं। दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों में हजारों वर्ग मील क्षेत्रफल की कमी से फसलों के उत्पादन को भी खतरे में डाल दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 70,000 पौधों की प्रजातियों का व्यावसायिक और दवा बनाने के इस्तेमाल का बुरा असर पड़ा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की रिपोर्ट में कहा गया है कि वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए अभी प्रयास नहीं किए गए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर मनुष्य ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोक कर रख पाता है तो ये 70-90% समुद्री जीवों को बचाने के लिए काफी नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि धरती पर सभी जीवों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए मनुष्यों को विकास के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। मनुष्य को सोचना होगा कि प्रकृति की सुरक्षा से भी लोगों की सुरक्षा संभव है। जिन जीव जंतुओं पर खतरा है उसके लिए सीधे तौर पर मानव गतिविधियां जिम्मेदार हैं। गायब हो रहे जीव जंतुओं के आवास धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ओवर फिशिंग यानी व्यापक पैमाने पर मछलियों के पकड़ने और बड़े स्तर पर शिकार भी जीव जंतुओं के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि धरती पर इंसान सबसे ताकतवर हो गया है और वही सबके लिए फैसले ले रहा है। शहर बनाने खेती करने की वजह से तेजी से जंगलों और चारगाहों की जमीन साफ हुई है। जलवायु परिवर्तन बढ़ते प्रदूषण इंसानी आबादी का बढ़ता घनत्व पर्यावरण असंतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित उपभोग से वन्य जीवन की संख्या घट रही है। धरती के तकरीबन 1/4 हिस्से पर इंसानी गतिविधियों की वजह से जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। रिपोर्ट ये नहीं कहता कि आप ये विशिष्ट रूप से इस तरह का एक एक्शन लेके इसको रोकें, क्योंकि जो हर एक देश और हर एक रीजन का परिस्थिति अलग अलग होती है, तो उनके यहाँ के जो परिस्थिति को देखते हुए उपाय ढूंढने के लिए उसको सुझाव देती है कि क्योंकि वो रिलेट करता है कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारे कमिटमेंट्स हैं उस कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको क्या क्या करना है। What's absolutely clear at the moment, looking at the declines of nature that we're currently seeing, is that the planet does need to be put on life support. And frankly, the solutions we're coming up with at the moment are merely sticking plasters. So this is now at the point where, as people, we've got to take a choice. Are we going to let this continue? Are we going to do something about it? Globally, at the moment, we are completely failing to tackle the loss of nature on the planet, and that's got to stop now. वर्तमान में दुनिया के कुल स्तनधारी जीवों के सिर्फ 4% जंगली जानवर हैं, वहीं मानव 36% हैं और पालतू जानवर 60% हैं। ऐसा अनुमान है कि 10,000 साल पहले ये आंकड़े ठीक विपरीत रहे होंगे। वैश्विक स्तर पर प्रकृति सालाना तकरीबन ताजा हवा स्वच्छ पानी खाद्य सामग्री और ऊर्जा के रूप में $125 लाख करोड़ की सेवाएं मुहैया कराती है। पिछले 50 सालों में
प्राकृतिक संसाधनों की खपत तकरीबन 190% तक बढ़ी है। मानव सभ्यता की शुरुआत से अभी तक 83% स्तनधारी जीव और 50% पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं। पृथ्वी को दोबारा पहले जैसा बनाने में 50 से 70 लाख साल लगेंगे। इस प्राकृतिक और जैव असंतुलन को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्लास्टिक कचरे की समस्या से आज पूरा विश्व जूझ रहा है। इससे न केवल धरती बल्कि समुद्र और समुद्री जीव जंतु भी काफी प्रभावित हैं। समुद्र में पहुंचने वाला प्लास्टिक कचरा पर्यावरण के साथ साथ समुद्री जीव जंतुओं के लिए भी गंभीर खतरा बन चुका है। आखिर कैसे जाता है जमीन से समुद्र में प्लास्टिक कचरा और इससे किस तरह के खतरे पैदा हो रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। प्लास्टिक अपने उत्पादन से लेकर इस्तेमाल तक सभी अवस्थाओं में पर्यावरण और समूचे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरनाक है। प्लास्टिक का निर्माण पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त तत्वों और रसायनों से होता है, इसलिए ये अपने उत्पादन की शुरुआती अवस्था से लेकर उसके उपयोग और कचरे के रूप में फेंके जाने तक कई तरह की रासायनिक क्रियाएं करके जहरीला असर पैदा करता है, जो मनुष्यों से लेकर जीव जंतुओं तक के लिए खतरनाक है। प्लास्टिक कचरे का केवल 15% हिस्सा ही धरती की सतह यानी जमीन पर बचता है, जबकि बाकी का सारा कचरा समुद्र में जाकर जमा होता है। इसे खाकर न केवल समुद्री जीव जंतु मर रहे हैं बल्कि ये समुद्री नमक में भी जहर घोल रहा है। दरअसल प्लास्टिक समुद्र में पहुंचने के बाद जहरीले पदार्थों के लिए चुंबक बन जाता है और एक बार चिपकने के बाद अंत तक उसके साथ ही चिपका रहता है। प्लास्टिक का जो जैव विविधता का जो है, इसको देखा जाए कि जो ये आजकल ये माना जा रहा है कि माइक्रोप्लास्टिक जो है हर जगह पे पीने के पानी से लेके जो आप जो खाना खा रहे हैं वहाँ तक उसको पहुँचा गया है। उसकी वजह से जो जो टर्टल्स हैं, फिशेस हैं, टॉर्टस हैं या शार्क्स हैं, वेल्स हैं, वो सब जो है उसको चोक होके मर रहे हैं। एंड उसके माइक्रोप्लास्टिक के होने की वजह से कहीं कहीं पे जो उनका रिप्रोडक्शन पे भी असर पड़ रहा है। ये एक काफ़ी सीरियस इशू, गंभीर विषय बना हुआ है। WWF और लंदन की जियोलॉजिकल सोसाइटी की रिपोर्ट लिविंग प्लैनेट के मुताबिक साल 2010 में लगभग 4.8 मिलियन से 12.7 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा धरती से समुद्र में गया। रिपोर्ट में कहा गया कि लॉगरहेड कछुए पर 10 साल के एक शोध के बाद ये पता चला कि 35% कछुओं ने खाद्य के रूप में प्लास्टिक खाया। इसके अलावा भूमध्य सागर में 18% टूना फिश और सॉर्ट फिश के पेट में प्लास्टिक कचरा पाया गया, जबकि बेलियरिक द्वीप समूह में पाए जाने वाले ब्लैक माउथ के पेट में 17% सेलोफीन और PET पाया गया। ये खतरा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आज 90% से ज्यादा समुद्री जीव जंतु किसी न किसी रूप में प्लास्टिक कचरे को खा रहे हैं, जबकि 1960 में ये आंकड़ा महज 5% था। रिपोर्ट में ये चेतावनी भी दी गई कि समुद्र में प्लास्टिक के प्रवाह को रोका नहीं गया तो 2050 तक लगभग 99% समुद्री जीव जंतुओं के पाचन तंत्र में प्लास्टिक के कचरे मौजूद होंगे, जो जैव विविधता के लिए बेहद खतरनाक होगा। Plastics can have severe consequences on particular species of wildlife in various different places. We've all seen heartbreaking pictures of turtles with plastics around their necks. We know that plastic is being found in fish and all manner of other marine life and bird life. But the issue here, I think, is that actually this is just a broader symptom of the general disregard that we as people have for our planet, the way that we consume and just throw away without thinking of the consequences. And again, this simply has to stop. It's got to stop now. दरअसल प्लास्टिक के ये कचरे जमीन से समुद्र में कई तरह से पहुंचते हैं। इनमें कॉमन माइक्रोप्लास्टिक के रूप में प्लास्टिक के फ्रैगमेंट्स यानी प्लास्टिक के छोटे-छोटे टुकड़े, फाइबर के रूप में सिंथेटिक कपड़ों से निकले प्लास्टिक के धागे, फोम के रूप में खाने की चीजें और चाय कॉफी के कप के टुकड़ों के अलावा साबुन और कॉस्मेटिक्स के माइक्रोबिट्स शामिल हैं। इसके अलावा जमीन पर होने वाली कई तरह की गतिविधियां भी समुद्र में प्लास्टिक के कचरे के बढ़ने की वजह है।
इनमें सीवर और नालों के जरिए प्लास्टिक के कचरे बहकर नदियों के रास्ते समुद्र में जाते हैं। साथ ही वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के कारण भी बहुत सारा प्लास्टिक का कचरा समुद्र में पहुंचता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और उससे जुड़ी गतिविधियों के कारण भी बहुत सारे प्लास्टिक कचरे पैदा होते हैं जो आखिरकार समुद्र में ही पहुंचते हैं। फिशिंग और कोस्टल टूरिज्म भी समुद्र में इकट्ठे हो रहे प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार हैं। इन सब के अलावा समुद्र के अंदर होने वाली गतिविधियों से भी काफी सारा प्लास्टिक समुद्र में इकट्ठा होता है। इनमें शिपिंग, पोर्ट और हार्बर और फिशरीज से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं। जिस तरह से प्लास्टिक यूज करते हैं, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक, हम बिना सोचे प्लास्टिक की बॉटल खरीद लेते हैं, पानी पी लेते हैं और उस बॉटल को हम फेंक देते हैं, लेकिन वो बॉटल कहाँ जा रहा है? उसको रिसाइकलिंग हो रहा है या कोई नदी में फेंका गया है और वो नदी से वो कोई समुंदर में चला गया, कोई दरिया में चला गया, उसमें पॉल्यूशन क्या होता है? प्लास्टिक के ये छोटे छोटे कचरे न केवल समुद्र में बल्कि महासागरों में भी बड़ी मात्रा में मौजूद है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर में ये काफी ज्यादा है। उत्तर प्रशांत महासागर में माइक्रोप्लास्टिक और 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के टुकड़े बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। दरअसल समुद्र के सतह पर 2 तरह के प्लास्टिक तैरते हैं। इनमें पॉलिथीन, जिसका उपयोग मिल्क जग और प्लास्टिक बैग के लिए किया जाता है, और पॉलीप्रोपिलीन, जिसका उपयोग बोतल के ढक्कन, स्ट्रॉ और डेयरी कंटेनर के तौर पर किया जाता है। जब ये प्लास्टिक समुद्र में पहुंचते हैं तो छोटे और कठोर टुकड़ों में टूटकर समुद्र के सतह तक पहुंच जाते हैं। समुद्री मछली और पक्षी प्लास्टिक के इन चमकदार और छोटे टुकड़ों को खाने वाली चीज समझकर निगल जाते हैं, जो आसानी से नहीं पचते। इससे उनके अंदर जहरीला रसायन बनने लगता है और इसकी वजह से ही उनकी मौत हो जाती है। अगर मनुष्य इन जहरीले समुद्री मछलियों को खाता है तो उसे भी कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर समय रहते प्लास्टिक के कचरों को समुद्र में जाने से रोकने के उपाय नहीं किए गए तो आने वाले दशकों में बड़ी संख्या में समुद्री जीव जंतुओं की जान खतरे में पड़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की रिपोर्ट में इस बात पर भी चिंता जताई गई है कि 1997 से लेकर 2006 के दौरान भारत और नेपाल में घड़ियालों की संख्या में करीब 58% की कमी आई। हालांकि भारत सरकार ने देश के वन्य जीवन की रक्षा करने और प्रभावी ढंग से अवैध शिकार, तस्करी और वन्य जीवन के अलावा अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया। इस अधिनियम को जनवरी 2003 में संशोधित किया गया था और कानून के तहत अपराधों के लिए सजा और जुर्माने को और अधिक कठोर बना दिया गया। वन्य जीव अपराधों की रोकथाम, अवैध शिकार पर लगाम और वन्य जीव उत्पादों के अवैध व्यापार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सरकार ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों के अवैध शिकार, उनके हार्ड मास और खाल के व्यापार को रोकना है। ये अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण देता है। इस अधिनियम में कुल 6 अनुसूचियां हैं जो अलग अलग तरह से वन्य जीव को सुरक्षा प्रदान करती हैं। अधिनियम की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के दूसरे भाग वन्य जीवन को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं तो अनुसूची 3 और अनुसूची 4 भी वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करते हैं। वही अनुसूची 5 में वे जानवर शामिल हैं जिनका शिकार हो सकता है, जबकि अनुसूची 6 में संरक्षित पौधों की खेती और रोपण पर रोक है। भारत में संरक्षण को लेकर रेगुलेशंस काफी है। जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में चालू किए थे, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्ट। इस एक्ट के जरिए काफी हद तक जो वाइल्ड मैमल्स है या बर्ड्स है या स्नेक्स है, इसको हम लीगल, इसमें कोई अगर इसमें कोई ट्रेड ना हो या इसके कोई ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो तो इसके लिए लीगल के कानूनी तरफ से इसमें रोकथाम है। लेकिन संरक्षण के लिए जो सरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टेट्स में या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो कर रहे हैं, उसमें आम आदमी को जुड़ना जरूरी है। इस अधिनियम के तहत किसी वन्य जीवन को पकड़ने की कोशिश करना, उन्हें नुकसान पहुंचाना पूरी तरह गैरकानूनी है। इसके अलावा वन्य जीवों के लिए बने अभयारण्य में आग लगाना, हथियार के साथ प्रवेश करने पर भी रोक है। इस कानून के तहत जंगल के पेड़ पौधों को तोड़ना या काटना मना है।
इसके साथ ही वन्य जीवों के शरीर के अंगों और चमड़ों का व्यापार करना, सजावट के तौर पर इस्तेमाल करना और उन्हें रखना पूरी तरह प्रतिबंधित है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वन्य जीवों के शिकार करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। इस अधिनियम की अनुसूची 1 और 2 के तहत अवैध शिकार, अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान को नुकसान पहुंचाने पर कम से कम 3 साल की जेल की सजा है, जो 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही ₹10,000 का जुर्माना भी है। दूसरी बार इस प्रकार का अपराध करने पर 3 से 7 साल तक जेल की सजा और ₹25,000 जुर्माना लगेगा। वन्य जीवों के प्रति अपराध करने के लिए इस्तेमाल किए गए किसी भी उपकरण, वाहन या हथियार को जब्त करने का भी इस कानून में प्रावधान है। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया, शायद ही कोई जो देश हो उतने जल्दी जो है संरक्षण के लिए इतना कॉम्प्रहेंसिव या व्यापक जो है एक अधिनियम के कानून के रूप में लाकर उसको संरक्षण देने की कोशिश की गई। और 1972 के बाद 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का ये मकसद था कि जो वन्य भूमि को गैर वानिकी यूज़ के लिए अगर लेने के लिए उसको केंद्र सरकार की अनुमति लेके करें, ताकि जो उसको इनडिस्क्रिमिनेटली उसको डाइवर्ट होके ख़त्म ना हो। उसके पश्चात आ गए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें आ गए वाटर एक्ट, एयर एक्ट, देन आ गए आपके बायोडाइवर्सिटी एक्ट आ गए। ये पूरा जो अधिनियम जो है एक जो राज्य देश का या स्टेट का अपना इंटेंट दिखाता है उस ओर जो, और काफ़ी हद तक जो है अगर आप अगर देखें जो जहाँ जहाँ पे अपने अभी भी बायोडाइवर्सिटी अब अगर यहाँ पे बची हुई है इन्हीं अधिनियमों के वजह से हुआ है। इस अधिनियम के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों ने समय समय पर वन्य जीव की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कई नियम और कानून पारित किए हैं। इनमें मद्रास वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट 1873, ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1879, द वाइल्ड बर्ड एंड एनिमल्स प्रोहिबिशन एक्ट 1912, बंगाल राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1932, असम राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1954, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ 1952 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शामिल हैं। सरकार ने वन्य प्राणियों से जुड़े कानून को मजबूत और कड़ा बनाने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जनवरी 2013 में संशोधन भी किया। इसके तहत सजा और जुर्माने को अधिक कठोर बना दिया गया है। आकाश पोपली और लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वनों में जीवन बसर करने वाले जीवों से मानव जाति का युगों युगों से विशेष संबंध रहा है, लेकिन समय के साथ साथ जिस तरह से मानव और वन्य जीवों में संघर्ष बढ़ा है वो चिंता का विषय है। टकराव की इस समस्या का निदान ढूंढना प्रकृति के संतुलन और मानव जाति के सह अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है। आप देखिए ये रिपोर्ट, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मनुष्य और वन्य जीवों के संघर्ष को कम करने या खत्म करने के लिए रचनात्मक सोच और नए प्रयासों की जरूरत है। वन्य जीव वैज्ञानिकों ने इस समस्या के समाधान के लिए कई उपाय बताए हैं। इनमें कई स्थितियों में संरक्षित जीवों को छोड़कर वन्य पशुओं को मारना भी शामिल है। हालांकि वन्य जीवों को मारना मनुष्य और वन्य जीवों के संघर्ष को अब तक रोक नहीं पाया, बल्कि संघर्ष की घटनाओं में बढ़ोतरी ही हुई। वन्य पशुओं के कारण हुई मानवीय मौतों को रोकने के लिए उनके आगमन या स्थिति की सही जानकारी देने वाले तंत्र के विकास की जरूरत है। हाथी बहुल इलाकों में जहां हाथी झुंड में घूमते या फिरते हैं, वहां रात के समय मनुष्यों के लिए रास्ता बंद करने की जरूरत है। इसके अलावा हाथी से बचने की चेतावनी भी दिया जाना जरूरी है। वन्य जीव संरक्षणकर्ता SMS अलर्ट के जरिए भी पशुओं की स्थिति की जानकारी और चेतावनी दे सकते हैं। इसकी मदद से मानव जीवन, फसल और संपत्ति की रक्षा की जा सकती है। जंगलों के बीच बसे गांवों में सुरक्षित आवास, बिजली, शौचालय के निर्माण और परिवहन सेवा को बेहतर बनाकर मानव और वन्य जीवों के संघर्ष को कम किया जा सकता है। पशुओं के आवास को खनन या मानव बस्तियों के लिए उजाड़ा जा रहा है और ऐसे हालात में वन्य जीव आसपास के आवासीय इलाकों में या खेतों में चले आते हैं, जिससे मनुष्यों के साथ उनकी टकराव की संभावनाएं बढ़ती हैं। और ऐसे स्थानों को पहचान कर उनकी घेराबंदी
या बिजली युक्त बाड़ लगवाई जा सकती है। खतरनाक वन्यजीवों पर आरोप लगाने की बजाय ऐसे समस्याग्रस्त जगहों की पहचान कर वहां के लोगों को समय समय पर सतर्क करते रहने की जरूरत है। हम लिव एंड लेट लिव के पॉलिसी पे चलते हैं और ये बहुत ही यूनिक है पूरे वर्ल्ड में। तो हम ये भी चाहते हैं कि बाघ या तेंदुए या हाथी ये सब भी रहें, और इन्हीं के लिए ये प्रोटेक्टेड एरिया जैसे दुधवा और पीलीभीत तो गठित की गई है। अब इनको तो आप दीवार से घेर नहीं सकते, और जब आप अच्छी तरह संरक्षण करेंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी इसमें, क्योंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इंडिविजुअल्स कुछ बाहर आएंगे, और मेन इंटेंशन ये होना चाहिए स्टेट का कि ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम्स जगह में लाए जिससे जब ये जानवर बाहर आते हैं इनको मैनेज किया जा सके अच्छी तरह से। माइक्रोचिप या रेडियो कॉलर जैसी आधुनिक तकनीक के जरिए जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों को वन जीवों की गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां भी दी जा सकती हैं। इन यंत्रों को वन जीवों में आसानी से लगाया जा सकता है और इसके जरिए वन जीवों की गतिविधियों का भी पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा ड्रोन तकनीक का उपयोग कर वन क्षेत्र और उसके आसपास के वन जीवों पर निगरानी रखी जा सकती है। इस तकनीक का इस्तेमाल कर वन अधिकारी न केवल बड़े क्षेत्र पर निगरानी रख सकते हैं बल्कि ये भी पता लगा सकते हैं कि वन जीव कब मानव इलाकों में प्रवेश करने वाला है। इन उपायों के जरिए मानव और वन जीवों के संघर्ष को कम किया जा सकता है। इन सब के अलावा बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे लगाकर नए जंगलों का निर्माण कर वन जीवों को उनके प्राकृतिक निवास में रहने की सुविधा मुहैया कराना बेहद जरूरी है। हम भी जो कंजर्वेशन काम कर रहे हैं इन्हीं स्पेसेस पे काम कर रहे हैं कि ये जो कनेक्टिविटी एरियाज हैं ये बरकरार रहें, सो दैट टाइगर्स जो हैं वो अनडिटेक्टेड मूव हों फ्रॉम, बिकॉज अगर उसको मूव करना है उसको स्पेस चाहिए मूव करने के लिए, तो वो मूवमेंट के लिए वी आर वर्किंग कंजर्वेशन के लिए कि वो स्पेसेस जो हैं वो इंटैक्ट रहे ताकि कॉन्फ्लिक्ट कम हो। देश में भी मानव और वन्यजीव संघर्ष में तकनीक का उपयोग शुरुआती अवस्था में है। इसका मुख्य कारण इन तकनीकों की उपलब्धता और ज्यादा कीमत है। कुछ सामान्य उपायों का उपयोग कर न केवल फसल पशुधन और वन्यजीवों की क्षति को रोका जा सकता है बल्कि वनों के नजदीक रहने वाले समुदायों के जीविकोपार्जन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा सकती है। आकाश पोपली और लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।